अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे कश्मीर क्राउन और मैं हूं सईद साजिद हुसैन। माफ कीजिएगा, लाइव डिस्कनेक्ट हो गया और इसका रीजन ये था कि वॉइस में थोड़ा सा इशू आ रहा था। दरअसल एक अहम खबर आप तक पहुंचानी थी। पिछले साल की अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें, यानी जो इस साल में हज के लिए गए 2024 में, वहां पे लगभग 1301 लोगों का इंतकाल हो गया और जिसमें 100 लोग हिंदुस्तानी थे और बाकी लोग दूसरे मुल्कों से थे। सऊदी अरबिया एक ऐसी जगह है जो रेगिस्तान है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इलाका जो है वो सहरा में गिरा हुआ है, तो वहाँ पे मौसम कभी कभार इस तरीके से ख़राब हो जाता है। हीट वेव इतनी ज़्यादा, गर्मी की शिद्दत वहाँ पे बढ़ जाती है, कहीं वो किसी इंसान की उसमें जान भी चली जाती है जो उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। दरअसल आप तक एक खबर पहुँचानी है कि सऊदी अरबिया ने बैन किया है उन हाजी साहिबान को जो सेहतमंद नहीं है, यानी जिन्हें किसी भी तरीके की बीमारी है, चाहे हार्ट की बीमारी है, चाहे किडनी की बीमारी है, चाहे लिवर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, तो उनको हज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये सऊदी गवर्नमेंट ने बैन इम्पोज की है उन लोगों पर, उन हाजी साहिबान पर जो चाहते हैं कि हज के लिए जाए। हर किसी का शौक होता है कि वो मक्का मुकदस में जाए और वहाँ पे हज करे वो और अपने गुनाहों से तौबा करे। दरअसल ये एडवाइजरी सऊदी अरबिया की जो गवर्नमेंट है उसने जारी कर दी है और इसमें ये भी लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा 12 साल से कम है या कोई औरत हामिला है उसको भी इजाज़त नहीं मिलेगी, और अगर कोई हज के लिए आना चाहता है तो उसे वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, कोविड-19 का या पोलियो का वैक्सीनेशन होता है वो करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हज के लिए आ सकता है। तो ये एक एडवाइजरी जो है ये सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट हुकूमत ने जारी कर दी है उन लोगों के लिए जो 2025 में हज के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा इस साल काफ़ी ज़्यादा बुरी खबरें वहाँ से आई कि काफ़ी लगभग 1300 लोगों का इंतकाल हुआ वहाँ पे, और जिसमें 100 लोग हिंदुस्तानी थे और बाकी मुल्कों के भी वहाँ पे लोग थे, और दरअसल इसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं वो लोग सेहत से थोड़ा कमज़ोर थे और वहाँ पे जो गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है उसकी वजह से उनको वो उस शिद्दत को बर्दाश्त गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इंतकाल कर बैठे। तो 1300 लोगों का इंतकाल हुआ इस साल जो हज के लिए गए थे, और इसीलिए वजह से इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है उन हाजी साहिबान के लिए जो 2025 में हज के लिए जाना चाहते हैं। तो उन्हें भी जो है हम अपने चैनल के ज़रिए से बताना चाहते हैं कि क्या कुछ एडवाइजरी में लिखा गया है, और एक फिट यानी जो सेहतमंद होगा शख्स वही हज के लिए जा सकता है, बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर सेहत के हिसाब से कमज़ोर है या सेहतमंद नहीं है, तो कोई किसी भी तरीके की बीमारी है, चाहे कैंसर है, चाहे किडनीज की बीमारी है, चाहे लिवर की बीमारी है, चाहे हार्ट की बीमारी है या ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, तो उन लोगों को इजाज़त नहीं मिलेगी हज करने की। ये सारी एडवाइजरी सऊदी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है हज 2025 के लिए, और आप सबसे गुजारिश है मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इरादा रखते हैं हज पे जाने का, जो चाहते हैं कि उनके नसीब में हज हो और कोशिशें कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो उनको भी पता चले कि क्या कुछ एडवाइजरीज वहाँ की गवर्नमेंट ने रखी है, वहाँ की हुकूमत ने रखी है हाजियों के लिए। बाकी अपडेट जम्मू कश्मीर से आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।